हाय गाइस, आप सबको रश्मि एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सिक्स स्टैंडर्ड की सोशल साइंस के 17 लेसन के सेकंड पार्ट फार्मिंग कैटल रेयरिंग एंड लिविंगहुड बताने जा रही हूँ। पांदरभा इज अ स्मॉल विलेज। सलमान लिव्स हियर। सलमान हैज हिज ओन फार्म। पांदरभदा नाम के एक छोटा सा गांव था और उस गांव में सलमान नाम के एक पर्सन रहते थे और सलमान के एक छोटा सा फार्म था या अपना फार्म था। सलमान हैज 10 एकर्स ऑफ लैंड। उनके पास 10 एकर्स ऑफ लैंड थे। ही हिमसेल्फ डज फार्मिंग इन हिज फार्म। वो अपने आप या खुद उस फार्म में या खेती करते थे। व्हेन एवर ही नीड्स हेल्प ही टेक्स हेल्प एंड कंटिन्यूस फार्मिंग। वो जब कोई ज़रूरत उनको पड़ती थी वो दूसरे लोगों को बुलाते थे और अपने फार्मिंग में या खेत में काम करते थे या खेती करते थे। ही पेज फॉर दिस हेल्प। और वो हेल्प के लिए, ये जो हेल्प लोगों से लेते थे उसके लिए वो पेड करते थे, पैसा देते थे। ही ब्रिंग्स सीड्स एंड फर्टिलाइजर फ्रॉम मार्केट डीलर्स। और वो जो बीज है और फर्टिलाइजर मीन्स जो खातर है वो मार्केट के डीलर से लेकर आते थे। डीलर्स लैंड हिम सीड्स एंड फर्टिलाइजर। जो डीलर्स होते हैं वो उनको सीड्स और फर्टिलाइजर मतलब बोलते हैं ना, उधार में देते हैं। ही रिटर्न मनी टू द डीलर्स व्हेन द क्रॉप इज हार्वेस्टेड। वो अपने पैसे और या जो जो पैसे से वो बीज और फर्टिलाइजर या फिर खातर लाते थे उस पैसे को वो अनाज पकने के बाद या अनाज के हार्वेस्टिंग के बाद, अनाज को मतलब अमल करने के बाद, अपने घर में लाने के बाद ही पेड करते थे। विथ द रेस्ट इनकम ही मेक्स हिज लिविंग फॉर 7 to 8 मंथ। जिसके से वो अपने 7-8 महीना निकाल देते थे जिस पैसे से। टू मेक लिविंग फॉर रेस्ट ऑफ मंथ ही जनरेट मनी थ्रू कैटल रेयरिंग। बाकी के जो कुछ महीने बचते थे उसमें से उस महीने को निकालने के लिए, उस महीने के खर्चे को निकालने के लिए वो कैटल रेयरिंग या पशुपालन करते थे। सलमान 1 cow and 2 buffalo। उसके पास एक गाय और 2 buffalo थे यानी भैंस थे। ही जनरेट रिक्वायर्ड इनकम फ्रॉम देयर मिल्क। और वो उनके दूध से पैसा निकालते थे या पैसा बनाते थे। सलमान सेल्स मिल्क टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसके दूध को, अपने दूध को बेचते थे या अपने गाय भैंस के दूध को बेचते थे। ही मेक्स अप फॉर हिज लिविंग फ्रॉम हिज इनकम फॉर रिमेनिंग 4 मंथ्स। वो इससे क्या करते थे, अपने जो बाकी के 4 महीने हैं उसके खर्चे निकाल लेते थे। समटाइम्स सलमान वर्क्स इन एन इंडस्ट्रीज ऑफ अ नियर बाय सिटी टू अर्न हिज लिवलीहुड थ्रू रिटेल वर्क। और ऐसे छोटे छोटे काम करने के लिए वो पास के शहर में भी कभी कभी चले जाते थे जब उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। ओके, द कनेक्शन ऑफ द विलेज विद द सिटी। तो विलेज और सिटी के कनेक्शन के लिए उसके बारे में पढ़ेंगे। रामनगर इज अ स्मॉल विलेज। रामनगर एक छोटा सा गांव है। देर इज अ मर्चेंट नेम्ड जग्गा भाई। वहाँ एक मर्चेंट या व्यापारी है वहाँ के, जिनके नाम जग्गा भाई है। ही हैज अ स्मॉल शॉप। उनके एक छोटा सा दुकान है। वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन हिज शॉप। उनके दुकान में साग भाजी मिलती है। अलॉन्ग विथ ग्रोसरी मेनी नेसेसरी थिंग्स ऑफ लाइफ आर ऑल्सो अवेलेबल देयर। उनके अलॉन्ग विथ ग्रोसरी, उसी के साथ साथ दूसरे चीज़ें भी, जरूरत के, ज़िंदगी की बहुत ज़रूरत के सामान वहाँ मिलते हैं। सोप सॉल्ट मेडिसिन ऑफ ऑल टाइप आर अवेलेबल इन हिज शॉप।
तरह तरह के चीज़ें, हर किस तरह के चीज़ें उनके दुकान में मिलती थी। मोस्ट ऑफ द पीपल ग्रो राइस इन रामनगर, रामनगर के लोग ज़्यादातर राइस उगाते हैं। इफ़ विलेज पीपल नीड एनी थिंग फ्रॉम जग्गा भाई शॉप देन दे टेक राइस टू द शॉप, अगर उनको कुछ ऐसे ज़रूरत पड़ती थी तो राइस के बदले में खरीद के ले जाते थे, राइस दे जाते जग्गा भाई को और उसके बदले कुछ सामान ले जाते थे। इफ़ विलेज पीपल नीड एनी थिंग फ्रॉम जग्गा इन इल्यू ऑफ राइस जग्गा भाई गिव्स देम देयर डिमांड थिंग्स, इसके बदले में वो उनकी जो ज़रूरत की चीज़, उनके डिमांड की चीज़, न चैक्टली ज़रूरत की चीज़, उनके डिमांड की चीज़, उनके लिए जो डिमांड था या वो जो मांग करते थे उसको वो देते थे। ही सेल्स राइस टू द बिग शॉप ऑफ सिटी, वो अपने गांव के जो चावल को बड़े शहर में बेचते थे। व्हिच ही आर परचेज एंड कलेक्टेड फ्रॉम द विलेज पीपल एट अ लोअर रेट एंड सेल्स एट द हायर रेट एंड अर्न मनी, जो अपने गाँव के लोगों से अपने चीज़ों के बदले में कम पैसे में रखता था उसको ज़्यादा पैसे में शहर के जाके मार्केट में उसको बेच देता था। वी हैव रीड अबाउट द केस ऑफ फार्म लेबर लाइक मधुबा, हम फार्म लेबर जो मधुबा है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इन एडिशन टू बिग फार्मर लाइक लैंडलॉर्ड वी सॉ डिटेल्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स लाइक सलमान एज वेल एज द स्मॉल ट्रेडर्स लाइक जग्गा भाई, अभी हमें बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों के बारे में बात करने के वजह से बजे हमें दूसरे दो लोगों के बात में बात करें जो थे छोटा एक व्यापारी था और एक जो छोटा किसान था, या फिर सलमान और जग्गा भाई। देवल साहब अदर सोर्स ऑफ इनकम एलोंग विद स्मॉल शॉप, उनके एक छोटा दुकान के साथ साथ उनके दूसरे भी सोर्स ऑफ इनकम थे। ब्रिटिश साइड कैटल रेयरिंग एंड बिसाइड्स कैटल रेयरिंग एंड रिटेल लेबर वी ऑल्सो हैव नोटिसड इन डिटेल अबाउट द पीपल वी हु लिव लाइफ बाय अर्निंग थ्रू रिटेल वर्क इन द इंडस्ट्रियल इस्टेट, जो इसके अलावा भेड़ बकरी चरा कर या पशुपालन करके और लेबर जो है उसमें जो रहते थे उनसे करके हम मतलब वो अपने रोज के खर्चे निकालते थे, ठीक है। फिर अदर वेज ऑफ अर्निंग, फिर दूसरे तरीका है अर्निंग का, अर्निंग का दूसरा तरीका क्या है। सचंद्र इज अ स्मॉल विलेज, इट इज सिचुएटेड ऑन द सीशोर रूडीबा वेन एंड लक्ष्मीमा लिव्स देयर, एक संचरदा एक छोटा सा गांव समुद्र किनारे के है जिसमें रूडीबा और लक्ष्मीमा रहते थे। दे डू नॉट हैव देयर लैंड फॉर फार्मिंग, उनके पास अपने खेती करने के लिए ज़मीन नहीं था। दे नाइदर टू रिटेल वर्क नॉर अर्न मनी विथ एनी परमानेंट वर्क एट एनी प्लेस, ना ही उनके कोई छोटे से दुकान थी, ना ही कोई दूसरे रोजगार की परमानेंट जरिया थे या स्थायी जरिया थी। रूडीबा बेन एंड लक्ष्मी आर एंगेज इन फिशिंग, वो दोनों मछली पकड़ने में एंगेज थे। फिशरमैन इज कॉल्ड अ फूड प्रोड्यूसर, फिशरमैन को भी एक फूड प्रोड्यूसर बोला जाता है। फिश इज अ मैरिन लाइफ, ये एक पानी में रहने वाला चीज़ है। रूडीबास हजबैंड हेल्प इन हर हाउस होल्ड चोस, जे जो सॉरी दे नाइदर टू रिटेल नॉर अर्न मनी विथ एनी परमानेंट वर्क एनी रिप्लेस, रूडीबा और लच्छीबा ये दोनों फिशिंग काम में थे क्योंकि उनके पास दूसरे रोजगार नहीं थी। फिशरमैन इज कॉल्ड अ फूड प्रोड्यूसर, इसको फूड प्रोड्यूसर बोला जाता है। फिश इज अ मैरिन लाइफ, फिश क्या है, एक मैरिन लाइफ है। रूडीबा हस्बैंड हेल्प हर इन हाउस होल्ड चोर्स, या फिर घर के काम में रूडीबा के मिस्टर उनको या हस्बैंड या पति उनको हेल्प करते थे। लक्ष्मीमा इज एन ओल्ड वुमैन, लक्ष्मीमा जो है वो ओल्ड एज में थे और उनके हस्बैंड जो है मर चुके थे। ही इज अ स्मॉल बोट विथ रूडीबा एंड लक्ष्मीमा, उनके पास एक छोटा सा बोट थी, नौका थी। दे कीप इट एट द सीशोर, वो समुद्र किनारे में उसको रखते हैं। दे हैव अ स्मॉल नेट एंड अदर डिवाइस टू कैच फिश, उनके पास नेट और कुछ दूसरे चीज़ जो मछली पकड़ के लेकर उनके पास भी था। दे गो इन टू सी टू कैच फिशेस, वो तीनों मिल के समुद्र के
अंदर जाते और मछली पकड़ते। दे हैव टू गो फार अवे फ्रॉम सी शोर, वो समुद्र किनारे से टू कैच द फिशेस, मछली पकड़ने के लिए बहुत अंदर तक उनको जाना पड़ता है। दे डू फिशिंग फॉर 8 months फॉर गेटिंग लिवलीहुड, वो कम से कम 8 महीने तक मतलब मछली पकड़ते हैं अपने जीवन विधि का या फिर अपने खर्चा या जो खान पान के खर्चे उसको चलाने के लिए। इट इज रिस्की टू एक्सप्लोर सी ड्यूरिंग मानसून सीजन, लेकिन उसी समय मानसून सीजन में जाने, इसके अंदर समुंदर के अंदर जाना रिक्सी होती है। समुंदर के अंदर में अगर रेनी सीजन में कोई जाता है तो वो मतलब डेंजर कहलाता है। इट इज हेंस रूढ़ीबा एंड लक्ष्मीबा डू नॉट गो फॉर फिशिंग ड्यूरिंग मानसून, इसलिए मानसून में वो लोग फिशिंग करने नहीं आते हैं। पर्सन लाइक रूढ़ीबा लक्ष्मीबा आर हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज लाइक रेन साइक्लोन एक्सेट्रा, फिर ये लोग ऐसा है कभी कभी ये लोग हेल्पलेस होते हैं, इनके पास अपने खर्चा चलाने के लिए कुछ होता नहीं है। जब मतलब साइक्लोन आती है या फिर हैवी रेन होती है, बहुत तेज बारिश होती है, दे हैव टू फेस डिफिकल्टीज ड्यूरिंग दिस टाइम्स ऑफ कैलामिटीज, इनके पास बहुत तकलीफ आ जाती है, ये बहुत तकलीफ में आ जाते हैं जब प्राकृतिक विपदा आती है। सिंस दे डू नॉट हैव एनी अदर वे टू जनरेट इनकम व्हेन दे आर अनेबल टू डू फिशिंग, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट वर्क इन दिस टाइम, तो कभी कभी ऐसे होती है कि जब मतलब इनके पास फिशिंग करने के लिए जाने की मतलब सुविधा नहीं होता है या मौसम नहीं होती है और इनके पास पैसा नहीं होता है तो इनको बहुत तकलीफ पड़ती है। दैट इज़ व्हाई दे हैव टू बोरो मनी टू मेक लिविंग, इसके लिए उनको दूसरे से उधार लेना पड़ता है। व्हेन इट इज़ पॉसिबल फॉर देम टू कैच फिश एंड टू सेल देम देन ओनली दे कैन रिटर्न मनी, वो जब भी फिश पकड़ते हैं या मछली पकड़ते हैं तभी उसको बेच के उनको पैसा मिलती है। दे फेस डिफिकल्टी इन फिशिंग टू, कभी कभी फिशिंग करने के लिए भी उनको तकलीफ होती है। दिस डेज पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग एवरीवेयर, अभी पॉल्यूशन सब जगह बढ़ गए। दे हैव गो फार अवे इन टू द सी फॉर फिशिंग, इसलिए बहुत दूर तक फिशिंग करने के लिए उनको जाना पड़ता है। प्लास्टिक एंड पॉल्यूटेड वाटर ऑफ इंडस्ट्रीज गो टू द सी थ्रू रिवर्स ऑफ ड्रेनेज ड्यू टू द सी वाटर गेट पॉल्यूटेड, समुद्र के पानी जो प्लास्टिक के और पॉल्यूटेड फैक्ट्रीज के पानी इंडस्ट्री के पानी जाके गंदा कर देते। नंबर ऑफ फिश इज ऑल्सो डिक्रीजिंग ड्यू टू पॉल्यूशन, ऐसे से बहुत तरह के मछली है उनकी नंबर या संख्या घटने लगा है। दिस सिचुएशन क्रिएट टेंशन फॉर लक्ष्मी एंड रूढ़ीबा, फिशिंग इज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग द साइक्लोन, जब इकोनॉमिकली दे आर सेवरली अफेक्टेड ड्यूरिंग सुनामी, लेकिन ऐसे ऐसे सिचुएशन आती है कभी कभी